हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेश एजू। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास फाइव में हमारे मैथ्स के सब्जेक्ट में जो हमारा 9th चैप्टर है डेसिमल फ्रैक्शंस, जिसमें आज हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 42.1 जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो चलो देखते हैं क्या क्या है, क्या सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। स्टूडेंट, इसके पहले हमने एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस सीखा था, तो आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये नॉर्मली जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है, सिर्फ इसके बीच में डेसिमल फ्रैक्शन है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक बताती हूँ। सपोज 35.43 माइनस 18.77, ठीक है, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते आए हैं बस वैसे ही करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आप 3 माइनस 7 नहीं हो सकता, तो 3 को कट करके हमने किया 13। 13 माइनस 7 कितने होते हैं 6, 1 हमने यहाँ पे कैरी किया, सो इसीलिए मैंने 4 को कट करके 3 किया। सो हमें 3 माइनस 7 नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना होगा, 3 को कट करके हमें 13 करना होगा। सो 13 माइनस 7 कितने होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे है डेसिमल फ्रैक्शन, वो एज इट इज यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगा। अभी यहाँ का 1 जो था वो हमें आगे कैरी करना होगा। ठीक है, भले ही यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन हो लेकिन फिर भी हमें जो 1 कैरी करना है वो तो हमें करना ही है, इसीलिए हमने क्या किया 5 को कट करके हमने कर दिया 4। अभी 4 माइनस 8 तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 4 को कट करके हमें करना होगा 14। सो 14 माइनस 8 होते हैं 6। ठीक है, फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 कैरी करना है, सो मैंने 3 को कट करके यहाँ पे कर दिया 2, और 2 माइनस 1 हो गए 1। सो हमें आंसर क्या मिल गया है स्टूडेंट, सो आंसर है 16.66। समझ में आ गया स्टूडेंट, नॉर्मली जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसके ऊपर हमें कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, चलो वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे 25.74 माइनस 13.42। अभी हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 25.74 माइनस 13.42। ओके, नॉर्मल इस जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे करेंगे। 4 माइनस 2 होते हैं 2, 7 माइनस 4 होते हैं 3, डेसिमल फ्रैक्शन एज इट इज हो गया, 5 माइनस 3 हो गए 2, और 2 माइनस 1 हो गए 1। सो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल गया है स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर है 12.32। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है 206.35 माइनस 168.22। चलो इनका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 5 माइनस 2 होते हैं 3, 3 माइनस 2 होते हैं 1, डेसिमल फ्रैक्शन एज इट इज हो गया, 6 माइनस 8 नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना होगा, 6 को कट करके हमें करना होगा 16, और 16 माइनस 8 होते हैं 8। ओके, अभी यहाँ पे हमें 1 कैरी करना है, इसीलिए 0 मतलब 10, और यहाँ पे 1 कैरी किया इसलिए हो गए 9। सो 9 माइनस 6 होते हैं 3। ओके, और फिर से हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 कैरी किया हुआ है, सो 2 को कट करके हमने कर दिया 1, और 1 माइनस 1 हो गए 0। सो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल गया है, 38.13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63.4 और माइनस 31.8। इनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सो 4 माइनस 8 नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना है, 4 को कट करके 14 कर दिए, 14 माइनस 8 होते हैं 6, डेसिमल फ्रैक्शन एज इट इज हो गया है। ओके, और यहाँ पे है हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो यहाँ का 1 था वो हमें यहाँ पे कैरी करना है, सो हमें 3 को कट करके हमने कर दिए 2, और 2 माइनस 1 होते हैं
वन, ओके, और सिक्स माइनस थ्री होते हैं थ्री. सो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल गया है स्टूडेंट, 31.6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63.43 माइनस 31.8. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 के आगे एक भी डिजिट नहीं है और जो पहले जो नंबर है उसमें 2 डिजिट है. सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 रख देंगे. हो गया, तो हमें अभी जैसे सब्ट्रैक्शन करना है, 3 एज इट इज हो गए, 4 माइनस 8 नहीं हो सकते. सो हमने 4 को कट करके कर दे 14, और 14 माइनस 8 होते हैं 6. ओके, डेसिमल फ्रैक्शन एज इट इज हो गया. यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 कैरी करना है, इसीलिए हमें 3 को कट करके 2 लिखना होगा, और 2 माइनस 1 होते हैं 1, और 6 माइनस 3 होते हैं 3. सो यहाँ पे आंसर क्या हो गया है स्टूडेंट, आंसर आ गया है 31.63. समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63.4 माइनस 31.83. ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 के आगे डिजिट नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 0 कैरी करेंगे. ठीक है, 0 माइनस 3 होते हैं, नहीं हो सकते, इसलिए हमने क्या किया, 0 को कट करके कर दे यहाँ पे 10, और 10 माइनस 3 होते हैं 7. ठीक है, यहाँ पे 1 कैरी किया, फिर से यहाँ पे 3 माइनस 8 नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना होगा, 3 को कट करके हमें करना होगा 13. सो 13 माइनस 8 होते हैं 5. डेसिमल फ्रैक्शन एज इट इज हो गया. ठीक है, यहाँ पे हमें 1 कैरी किया, सो यहाँ पे 3 को कट करके हमने कर दिए 2. 2 माइनस 1 होते हैं 1. ठीक है, और 6 माइनस 3 होते हैं 3. सो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल गया है, 31.57. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8.23 माइनस 5.45. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 माइनस 5 नहीं हो सकते, तो हमें क्या करना है, 3 को कट करके हमें करना होगा 13, और 13 माइनस 5 होते हैं 8. सो 1 यहाँ पे हमने कैरी किया है, 1 माइनस 4 तो नहीं हो सकते, तो इसीलिए हमें करना होगा 1 को कट करके 11, और 11 माइनस 4 होते हैं 7. ओके, डेसिमल फ्रैक्शन एज इट इज हो गया है. यहाँ पे फिर से हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 कैरी किया है, सो 8 को कट करके हमने कर दिए 7, और 7 माइनस 5 होते हैं 2. ओके, सो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल गया है स्टूडेंट, 2.78. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 18.23 माइनस 9.45. सो हम यहाँ पे 18.23 माइनस 9.45 हम यहाँ पे करेंगे. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल जो सब्ट्रैक्शन है वो हमें करना है. 3 माइनस 5 होते हैं, नहीं हो सकते, सो हमें 3 को कट करके करना होगा 13. सो 13 माइनस 5 होते हैं 8, और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे फिर से हमें 1 कैरी करना है, सो यहाँ पे हमने लिख दिया 1. 1 माइनस 4 तो नहीं हो सकते, सो इसीलिए 1 को कट करके कर दिए 11, और 11 माइनस 4 होते हैं 7. डेसिमल फ्रैक्शन एज इट इज है. ठीक है, यहाँ पे हमें 1 जो है वो कैरी करना होगा, सो 8 को कट करके हमने यहाँ पे कर दिए 7. 7 माइनस 9 भी नहीं हो सकते, सो इसीलिए 7 को कट करके कर दिए 17, और 17 माइनस 9 होते हैं 8. ठीक है, यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, जो 0 है यहाँ पे 1 कैरी किया है, सो यहाँ पे आ गए 0, और 0 हो गए एज इट इज. ठीक है, तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल गया है, 8.78. समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 78.03 माइनस 41.65. ठीक है,
अभी यहाँ पे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन हमें करना है, 3 माइनस 5 नहीं हो सकते, सो 3 को हमने कट करके कर दिए 13, और 13 माइनस 5 हो गए हैं 8, ठीक है। सो हमें यहाँ पे कैरी करना है 1, 0 मतलब 10, और यहाँ पे 1 कैरी करके हो गए हैं 9, सो 9 माइनस 6 होते हैं 3। डेसिमल फ्रैक्शन एज इट इज है यहाँ पे, ठीक है। हमें फिर से यहाँ पे 1 कैरी करना है, सो हमने 8 को कट करके कर दिए हैं 7, और 7 माइनस 1 होते हैं 6, ठीक है। सो हमें यहाँ पे 7 माइनस 4 करने हैं, 7 माइनस 4 कितने होते हैं 3। सो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल गया है स्टूडेंट, 36.38। तो समझ में आ गए स्टूडेंट, ये थे सब्ट्रैक्शन है, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है जो आप कर सकते हैं, और डेसिमल फ्रैक्शंस में जब भी सब्ट्रैक्शन आएंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो स्टूडेंट ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद, हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।